अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मोबाइल पर सीखने के लिए हमारा चैनल सुभान अल्लाह मोबाइल ऐप सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। उस्ताद उस्ताद जाहिद जाहिद हुसैन हुसैन आर आई आरआई की की लेटेस्ट वीडियो और लेटेस्ट ट्रेनिंग वीडियो क्यों देखने देखने के के लिए। लिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों आज जो मॉडल लिखे हैं वो मॉडल है Y7 2019, Y7 Prime 2019। तो इसे प्रॉब्लम कुछ इस तरह की कि ये जो सिग्नल है इसकी, तो इसमें सिम डाली हुई है, आप देख सकते हैं ऊपर आ रहा है नो सर्विस। तो आज हम इस वीडियो में आपको इस प्रॉब्लम का सलूशन बताएंगे कि आपने नो सिग्नल जो है उसे किस तरह से रिकवर करके सिग्नल लेके आना है, इसे किस तरह से रिपेयर करना है इसके जो मदरबोर्ड है। तो फ्रेंड्स पहले हमने एक वीडियो लगाई थी Y7 2018 की, तो उसे भी यही प्रॉब्लम थी, लेकिन वो उससे काफ़ी ज़्यादा भाइयों ने अल्हम्दुलिल्लाह जो है इससे काफ़ी ज़्यादा जो है वो फ़ायदा उठाया और काम किया है। जिनको नहीं समझ आई वो तो उल्टे सीधे कमेंट्स करते रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियो को गौर से देखें ताकि आपको मुकम्मल इसकी समझ आ सके और लास्ट तक वीडियो से हमारे साथ जो है वो बने रहे। तो अभी तक जिन भाई ने हमारा चैनल सुभान अल्लाह मोबाइल ऐप सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप सही वक्त पे देख सकें। तो अभी हमने इसके जो पेज हैं इनको हमने जो है रिमूव कर लिया। तो इसकी जो है हम ये चार्जिंग साइड जो है इसे हम उतार लेते हैं, यूनिट जो है इसका मुकम्मल हम उसे रिमूव कर लेते हैं। फिंगर स्ट्रिप जो है हमने इसे उतार लेना है और ये हमने इसका मदरबोर्ड निकाल लिया। इसका मदरबोर्ड निकालने के बाद फ्रेंड्स हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने चेक कर लेना है कहीं वाटर डैमेज नहीं है। कैमरे रिमूव कर लेते हैं, रिमूव करने के बाद फ्रेंड हमने क्या करना है कि इसकी ये वाली जो ऊपर पत्ती लगी हुई है हमने इसे रिमूव करना है। सबसे पहले तो ये हमने इसकी ऊपर से जो पतली उसे उतार के इसे बिल्कुल अच्छे से वॉश कर लेना है। अब इसे उतारने के बाद इसकी जो मैं आपको चेक कराता हूँ, यहाँ पे लग जाता है वो इसकी जो वायर है
सिग्नल वाली, तो यहाँ पे इसे हम लगा लेते हैं। तो इसका हमें सर्किट चेक करना है पहले, सबसे पहले। तो अभी हमने जो है मीटर को यहाँ पे रख लेना है, तो यहाँ पे रीडिंग आ रही है, इसका मतलब यहाँ पे भी आ रही है, यहाँ पे आ रही है। तो ये जो सारा इसका यहाँ पे जितना भी निज़ाम है वहाँ तक जो है बिल्कुल सिग्नल वगैरह किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल ठीक है। इसका जब सर्किट ठीक हो तो हमने कुछ नहीं करना, अगर सर्किट ख़राब हो तो इस आईसी को उतार कर मूव करके या तो हम यहाँ पे नया इंस्टॉल करेंगे या इसे ही उतार के दोबारा सोल्ड करके लगा के चेक कर लेंगे। लेकिन अभी यहाँ पे रीडिंग बिल्कुल अच्छे से आ रही है, इसलिए इसे हमने कुछ भी नहीं करना। तो करना क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर हमने थोड़ी सी पेस्ट को लेना है, और पेस्ट को लेने के बाद यहाँ पे लगा देना है, और हीट गन को लेना है और इसे थोड़ा सा जो है ताकि इसमें अगर कोई नमी वगैरह हो उसे थोड़ा सा उसे कर लेना है। और अभी इसके बाद हमने क्या करना, थोड़ा सा इसे ठंडा होने देते हैं। तो अभी इस पर लिक्विड वगैरह कोई चीज़ नहीं डालनी, और फिर हम इसे लगाएंगे मदरबोर्ड में, स्कैनर में लगाएंगे, और फिर अपनी प्रॉब्लम चेक करेंगे कि हमारा जो प्रॉब्लम है वो क्लियर हो गया। तो इंशाल्लाह हमारा जो प्रॉब्लम है वो क्लियर हो गया होगा। तो फिर भी चेक कर लेते हैं, फिर उसके बाद जो है हम इसे मुकम्मल बंद कर लेते हैं, इसलिए हम इसे चेक कर लेते हैं। तो इसका एंटीना जो है यहाँ पे है, इसलिए हमें बैक को लगाना पड़ेगा। इसे हमने बंद कर लिया, फोन को कर लेते हैं ऑन।